नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉइज रिमूवल की। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि मेरे पास अच्छा माइक्रोफोन नहीं है तो मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कैसे करूं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, ये जो ऑडियो हमारे सामने पड़ी है ये 2012 या 11 में मैंने रिकॉर्ड की थी। मेरे पास एक एरिक्सन का फ़ोन था, ओपन एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड हुई थी, सिंगर थे एक राजपुरा के और मैंने एक ओपन जगह पे ही रिकॉर्ड की थी। आइए इसे सबसे पहले सुनते हैं। नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे, नैना नाल नैन मिलावे। आप देख रहे हैं कितनी सारी नॉइज यहाँ है, यहाँ नॉइज़ है, यहाँ भी हम देख रहे हैं नॉइज़ चल रही है और ड्यूरिंग पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान भी वो नॉइज़ आपको आ रही है जो कि एनवायरमेंटल नॉइज़ है, पीछे जो भी शोर वगैरह चल रहा होगा। फिर से सुनते हैं। नैना नाल नैन मिल, ये एरिया। अब ये एरिया कंटिन्यूअसली मेरी पूरी आवाज के दौरान चलता रहता है। थोड़ा थोड़ा शर्मावे कड लेंदी ये जान सोनिए खूरी वटके। तो आप लोग भी जब, अगर आपके पास माइक्रोफोन अच्छा नहीं है, अगर आपके पास अच्छा ऑडियो इंटरफेस नहीं है, आप सिर्फ एक बिगनर हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रोडक्शन की प्रैक्टिस पे और मेलोडी पर। मेरी अच्छी मेलोडी होगी, गाना अच्छा होगा। डेफिनेटली जितनी भी ये गेयर्स होते हैं, ऑडियो गेयर इक्विपमेंट्स जो भी हम बड़े बड़े सुनते हैं, बढ़िया माइक्रोफोन, बढ़िया स्टूडियो मॉनिटरिंग सिस्टम्स, हेडफोन्स, ये आपके आउटपुट में डेफिनेटली एक एज क्रिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ये बड़े इक्विपमेंट्स नहीं हैं तो आपका म्यूज़िक अच्छा नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मान लीजिए आपने भी घर में अपने फ़ोन से ही ये रिकॉर्ड की है तो ये सारा नॉइज़ आ रहा होगा। आपको क्या करना है, फ़ोन से कॉपी किया आपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर से ड्रैग करके आप लेके आए FL स्टूडियो में। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं, जहाँ ड्रैग करते हैं, एक हाथ बना आता है, ये पॉइंटिंग फिंगर, इस पर क्लिक किया, एडिट सैंपल। हम जैसे ही एडिट सैंपल में गए, एडिसन में ये हमारी ऑडियो खुल जाएगी। एडिसन इसका इनबिल्ट ही VST है, अब प्लगइन है। और अब मैं यहाँ से इसे जूम करके देख सकता हूँ, ये मेरी नॉइज़ दिखा रहा है, ये मेरी आवाज़ है, ये फिर से मेरा नॉइज़ है। सुनते हैं। नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे। अब आपको बहुत ही सिंपल और इजी चीज़ करनी है, ध्यान दीजिए। जहाँ भी मेरा नॉइज़ है मुझे नॉइज़ प्रिंट लेना है, राइट क्लिक या फिर सिंपल क्लिक ही लेते हैं, हाँ राइट नहीं सिंपल लेफ्ट क्लिक से मैंने इतना सिलेक्ट किया। मैं बार बार प्ले करके देख रहा हूँ क्या मैंने नॉइज़ ही कैप्चर किया, बिल्कुल नॉइज़ कैप्चर किया। अब यहाँ पर जाते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई है। यहाँ पर एक ये टूथब्रश सा बना हुआ है, इसके ऊपर लेके जाओगे और अगर आप यहाँ पढ़ते हो तो वहाँ लिखा है क्लीन अप डी नॉइज एक्वायर नॉइज प्रोफाइल। इस पर आपने करना है राइट क्लिक, मैंने लेफ्ट कर दिया था सॉरी, पहले करना है आपने राइट क्लिक। राइट क्लिक करने से वो क्या करता है, आपकी जो भी आपने ये सिलेक्ट किया है उस नॉइज प्रोफाइल को वो रीड कर लेता है। फिर मैंने इसे पूरा किया जूम, कंट्रोल ए, सारा सिलेक्ट कर लिया है वापस मैं इसके ऊपर। अब मैं करूँगा लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक करने से क्या हुआ, जो नॉइज़ मैंने इसे दिया था वो पड़ चुका है। अब वो कोशिश करेगा कि पूरी की पूरी ऑडियो में से वो नॉइज़ को रिमूव कर दे। हमने ये सब भूल जाना है, सिर्फ दो याद रखने हैं, अमाउंट और प्रीव्यू। पहले अमाउंट मैंने ज़ीरो रखी हुई है, मतलब अभी वो रिमूव नहीं करेगा नॉइज़। सुनते हैं। नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे, नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे। हल्की सी मैंने अमाउंट बढ़ाई, सुनते हैं। नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे। आप सुन सकते हैं थोड़ा सा नॉइज उसने रिमूव कर दिया है। मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं। नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे। और बढ़ाया हल्का सा, आप पूरा नहीं बढ़ाएंगे, पूरा बढ़ाने से क्या होता है, नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे। हमने वहां तक इसको अमाउंट बढ़ाते जानी है जहां तक
मेरी आवाज़ प्लास्टिक साउंड ना करे या बबली साउंड ना करे। कई बार ऐसा होता है कि इतना नॉइज़ होता है कि अब जब रिमूव करने काफ़ी आगे तक ले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पानी के अंदर बोल रहा है। एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ देखिएगा, आपने देखा है। अगर आपको नहीं पता लगा आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, यहाँ जो नॉइज़ थी वो कम हो गई। अब यहाँ पर ये जो पॉइंटर सा बना हुआ है ये है मेरी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। इसे पकड़ा, मैंने पकड़ के ही रखा हुआ है, और जहाँ भी मैं ड्रॉप करूँगा ये आ गया, पकड़ के मैंने पीछे किया। अब मैं सुनता हूँ, ये लगता है मैंने थोड़ा आगे पीछे सिलेक्ट कर लिया, चलिए कोई बात नहीं। ओरिजिनल क्या थी? नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा, हमने क्या कर दिया? नैना नाल नैन मिलावे। अच्छा तो ये एक मिनट, नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे, नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे, कढ लैंदी ए जान सोनिए खूरी वटके तू, चित कर दे वेखी जावा। आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने नॉइज रिमूव कर दी है। अब ये मोबाइल पे रिकॉर्डेड आवाज़ थी, जितना हो सका मैंने उसमें से नॉइज़ रिमूव कर दिया। फिर मैंने उसका गाना बनाया जो भी उसके ऊपर हो सकता था। एक लेक्चर के दौरान जो मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी मैं यही बता रहा था किस तरह से नॉइज़ रिमूव करनी है। मेरी नॉइज़ हुई रिमूव, मेरे पास आई ये साउंड, इसके ऊपर मैंने बाकी सब म्यूज़िक बनाया। आप यहाँ जा सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर, facebook.com/devnextlevel, यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा लिंक, या फिर आप मेरे यूट्यूब पर भी डायरेक्ट जा सकते हैं। नखरे इस पे क्लिक किया, आइए सुनते हैं। नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे, नैना नाल नैन मिलावे थोड़ा थोड़ा शर्मावे, कढ लैंदी ए जान सोनिए खूरी वटके ये गाना आप सुन सकते हैं। यहाँ शो मोर पे क्लिक कीजिएगा, आपको पूरी इसकी जो भी मैंने बात की है यहाँ पर भी आ जाएगा। एक और चीज़, ये गाने की प्रोडक्शन से लेके मास्टरिंग तक, मास्टरिंग मैंने ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ा था, हल्की ट्विकिंग की थी, प्रोडक्शन से लेके मिक्सिंग तक और हल्की मास्टरिंग तक मैंने जो यूज़ किया है फिलिप्स का ये मॉडल यूज़ किया है जो मेरे पास एक पड़ा हुआ था। ये 500-550 रुपये का अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं महंगे हेडफोन्स ले आऊँगा या महंगे स्पीकर्स ले आऊँगा तभी मेरा म्यूज़िक अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आप इस गाने की जब क्वालिटी देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि और हो सकती थी, ऐसा हो सकता था, डेफिनेटली हो सकती थी अगर मैं अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट पर काम करता। बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए जानबूझकर अपने इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए, मैंने सिर्फ एक लैपटॉप के ऊपर इसे बनाया, मोबाइल पे रिकॉर्ड हुई आवाज़ को उसमें से मैंने नॉइज़ रिमूव किया, और सारी प्रोडक्शन मैंने एक 500 रुपये वाले हेडफोन पे की है जो फिलिप्स का है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे भी मैं बहुत लोगों को बताता हूँ जब इनका बिल्कुल भी बजट नहीं होता मैं उन्हें बोलता हूँ ये वाला आप हेडफोन ले सकते हैं, इसकी मिड फिर भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप कोई भी नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता लगा नॉइज़ किस तरह से रिमूव करनी है, मुझे पीछे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट, नमस्ते।